फ्रेंड्स, ये बन रही है आज मसाला बिरयानी, मुरादाबादी मसाला बिरयानी। और ये देखिए, पहले हमने डाला इसमें एक कटोरा तेल, फिर उसके बाद डाला हमने एक चम्मच जीरा, फिर उसके बाद हमने चार बड़ी बड़ी प्याजें जो है ये इस तरह से कट कर ली थी, तो अब ये डाली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी प्याज का रंग जो है हो गया सुनहरा हल्का, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। हमने लिया है 1 किलो मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट दरदरा कूट लिया था, तो ये हमने डाला है, ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ऐड किया है हमने धनिया पाउडर, ये हल्दी, ये ऐड किया हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चा, इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपके यहाँ पे खाया जाता है आपके टेस्ट के हिसाब से। बस इतना सा ऐसे लगाना, 2 से 3 सीटी, ये गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। मसालेदार बिरयानी, मटन बिरयानी, मसालेदार बिरयानी का ये जो है हम कौरमा रेडी कर रहे हैं। पहले ये गरम मसाला जो है, जितने भी खड़े मसाले थे हमने पीस लिए, इसमें दालचीनी, जायफल, जावित्री, सफ़ेद इलायची और काली बड़ी इलायची और ज़ीरा और दालचीनी वगैरह, लौंगे और काली मिर्च, जितने भी खड़े मसाले होते हैं सारे हमने इसमें ये ग्राइंड कर लिए हैं, दरदरे से कूट लिए हैं, ये देखें। और अब हम इन्हें बिरयानी में डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, ये देखिए इसमें 2 चम्मच भर के डाल रही हैं हमने दही। हमारा गोश्त तो गल गया ना मम्मी, गोश्त हमारा गल चुका है, बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है। ये डाल रहे हैं हम सब पिसे हुए खड़े मसाले। फ्रेंड, जो खड़े मसाले हमने पीसेस पे ग्राइंड किए थे वो हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ये देखें अभी भुनाई हो गई, अभी इसकी भुनाई होनी है बाकी, और मसाले डालते हैं इसके अंदर से बहुत शानदार सी बेहतरीन सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। नींबू का रस इसमें अच्छा टेस्ट आ खटा रहा है इसकी, नींबू भरे हुए तो ये फ्रेंड्स देखें, ये चावलों का पानी जो है उबल, मतलब ये उबाल रहे हैं हम, चावल जैसे हम उबालते हैं, आपको उसकी रेसिपी हम 2 दफ़ा दे चुके हैं चावल उबालने की। तो ये देखें, चावलों का पानी ये रखा है, इसमें डाला है नमक और इसमें बॉईल करेंगे अब हम चावल। तो रेसिपी तो आप सब लोगों को पता चली गई होगी, 2 बार हमने आपको बता दिया, वही सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर डालेंगे जो हम पहले डालते हैं, जो हमने पहले डाले हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च, इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। ये टमाटर जो है हमने पीस लिए थे, टमाटर की प्योरी बना ली, तो हम ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखें कौरमा जो है बिरयानी का ऑलमोस्ट रेडी है, और इसके अंदर डाला है 1 चम्मच अम्मी ने घी, और उसके बाद ये अम्मी लगा रही है इसकी तह मसाला बिरयानी की। इसकी भी ऐसे ही हैदराबादी बिरयानी जैसी तह लगती है, लेकिन इसके मसाले जो हैं वो अलग होते हैं थोड़े। तो ये देखें, ये
इसके ऊपर से डालना है हरा धनिया, ये फ्राइड प्याज, हरी मिर्च कटी हुई, मटन, भुना हुआ मटन। तो फ्रेंड्स मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है और आपके मुंह में भी आएगा देखने के बाद। और उसके बाद लगेगी ये दूसरी तह। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही तह दिखा दिया करो, लेकिन जो तह दिखाने का मज़ा है और तह देख देख के जो मुंह में पानी आता है वो एक अपना अलग ही मज़ा होता है, इसलिए मैं जितनी भी तह लगती हूँ सारी दिखाती हूँ। चल रहा है दूसरी तह के ऊपर से कोरमा, हमारा शानदार सा कोरमा। फ्रेंड्स ये देखिए थर्ड तह, ये देखिए मिर्चा, हरा धनिया, ये देखिए हरी मिर्ची, तली हुई प्याज, ये दूध, इसके चावल गुलाम होंगे 100 रुपए को। दो चम्मच डालेंगे देसी घी, मेरी अम्मी का सीक्रेट देसी घी वाला। देसी घी की खुशबू और जायका अलग ही होता है बिरयानी में। तो फ्रेंड्स मेरी अम्मी का मानना है देसी घी से बिरयानी बिल्कुल खिल के आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा शानदार सा खिल के आता है, तो इसलिए वो देसी घी जरूर डालती है बिरयानी के अंदर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डालें या नहीं डालें, जिसे पसंद है वो डालें, जिसे नहीं पसंद है वो नहीं डालें। तो ये डाल दिया हमने फूड कलर, ये देखें, इसे दम करेंगे ढक के कुछ देर के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमारी बिरयानी हो गई है रेडी, और देखें रेडी होकर कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत और क्या लग रही है बिरयानी, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बेहतरीन सी मसाला बिरयानी है। तो ये हमारी मसाला बिरयानी, अगर आपको पसंद आई हो, इसकी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स भी करें, कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखें